वो देखो दोस्तों डैम है जो बड़ी गंगा वहाँ पर उस साइड पे, वहाँ भी ले चलेंगे और कितना खुला हुआ पानी वो भी दिखाएंगे आपको। और देखो हमारे शिव जी महादेव, हर हर महादेव, और वो था घाट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम वहाँ पर चलेंगे और दिखाई देंगे, इस हाईवे पे हैं देखो आप, देहरादून ऋषिकेश शांति कुंज भीमगोंडा, और ये देख सकते निकट हर घर की पौड़ी, उस साइड भी जा सकते हो भाई। बहुत यहाँ आके भाई बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है, और मैं देख सकते हो चेहरे पे भी लग रहा होगा। तो हर तरह की चीज़ें दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा दोस्त आया था अभी आ नहीं सका, और अभी वो खेतों में बिजी है। तो हम चलेंगे अब की बार, दोबारा भी आएंगे, हरिद्वार दिखाएंगे, ऋषिकेश दिखाएंगे आपको, प्रयागराज जो भी है, केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग जो भी हमारे महादेव के मंदिर है वो सबको पूरा करेंगे हम हमारी ज़िंदगी में। तो 12 ज्योतिर्लिंग तो सबसे पहले पूरा होगा। तो अभी चल लेंगे, वहाँ भी चलेंगे, और अभी वो भी दिखाएंगे आपको सारा। आज आपको हरिद्वार घूम के दिखाएंगे वीडियो में। तो वीडियो को एक बार लाइक और शुरू में हर हर महादेव जरूर लिख दो भाई वीडियो में। डैम है, इसको डैम बोलते हैं, और यहाँ से जाता पानी हरिद्वार की तरफ, मतलब हर की पौड़ियों की तरफ यहाँ से, और उसके ऊपर भी ले चलते हैं। और कितना पानी खुला हुआ है, और हम यहाँ आ चुके हैं देखो। जय श्री राम भाई, हनुमान जी हमारे बैठे हैं, बना रखी है, ये हर जगह पे मिलेगी दोस्तों आपको। तो बहुत ही ठंडा पानी है भाई साहब, अब नहाएंगे हैं राजकुमार जी राठौड़, नहाएंगे। हाँ नहाएंगे। तो भाई बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है वैसे तो। आपको कैसा लग रहा है हरिद्वार? बहुत अच्छा, बहुत शांति हो रही है मन को। तो क्या दोस्तों, ये देखो भाई दोस्त, ये देखो एक वहाँ खड़ा है कि खड़ा, उसके इंतज़ार में आनंद दे रहे। तो आ चुके हैं यहाँ पर, जालियाँ भी लगी हुई है भाई सेफ्टी के लिए, क्योंकि कोई बच्चा गिर जाए, और तो ऐसा बना रखा है। तो दिखाते हैं आपको अभी पूरा, ये देखो दोस्तों भाई साहब पानी कितना गहरा है और कितना तेज़ी से जा रहा है, दिल खुश हो चुका देखो भाई। ओ उड़ गया बतख। और आपको बड़ी गंगा दिखाता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से ये देखो, कुंजा गेट बोलते हैं दोस्तों उसको। और ये देखो पटरी बनाई हुई है, देखो आप इसकी मदद से भाई बंद कर देते होगे इसको, ये देखो। तो थोड़ा उस साइड और मानसा देवी मंदिर, आपको वहाँ चोटी दिखाई दे रही होगी, देखो भाई साहब वहाँ भी चलेंगे। यहाँ से सिर्फ ओनली 3 ही किलोमीटर है, तो आराम से जाएंगे, और ऐसा सुंदर नज़ारा है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा भाई हरिद्वार और गंगा देख के? और बड़ी गंगा है ये मेरे पीछे, आप आओ और आराम से देखो, सुंदर नज़ारे भाई साहब पहाड़ों में, उत्तराखंड के हरिद्वार के अच्छे ही नज़ारे। ऋषिकेश के लिए भाई, भाई साहब बोल रहे हैं भाई ऋषिकेश चलो, तो ऋषिकेश भी चलेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको, लक्ष्मण झूला और कौन सा झूला, एक और लक्ष्मण राम झूला, राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों दिखाएंगे आपको वीडियो में। बने रहना हर हर महादेव, और आपको गंगा दिखा दे जय गंगा मैया की। ये सब बंद किया हुआ था भाई पहले, ये भी बंद कर दिया था पानी सब, ये देखो भाई साहब कैसे आ रहा पानी। इतना प्रेशर से जा रहा पानी देखो, जब छोड़ते हैं ना, हाँ छोड़ेंगे तो देख लो दरख्त कितना हुआ है पानी ना। हाँ हाँ इतना पानी जाता है, स्पीड में ये डूब जाता होगा लगभग, ज़्यादा पानी छोड़ते हैं जब। चलो सही है। तो भाई चेहरे पे अलग ही खुशी है यहाँ आने की भाई, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो कमी खर्चे में आ सकते हैं दोस्तों, इतना कोई खर्चा नहीं लगता, सिर्फ ओनली आपका रूम का खर्चा लगता है, ओनली रूम का भी ओनली 500-700 रुपये लगते हैं 24 घंटे के लिए। स्टे कर सकते हो आराम से, आप नहा धो सकते हो वहाँ पर, फिर गंगा में आके भी स्नान कर सकते हो आराम से, और बड़ी गंगा का नज़ारा भी देखने लायक है। और ऋषिकेश यहाँ से ओनली 20 किलोमीटर की दूरी पर है, 40 रुपये में आराम से ऑटो वाला या बस वाला आपको पहुँचा देगा आराम से। तो देखो आप नज़ारे देखने लायक है नज़ारे, आप आओ फैमिली को लेकर आओ। तो बने रहना वीडियो में अभी। ला भाई दोस्तों हम खड़े हैं, और लो बड़ी गंगा पे
हरिद्वार में ही जाके घाट बोलते हैं इसको, तो अभी खड़ा हूँ ऊपर डैम के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ डैम बने हुए हैं। तो बड़ी गंगा का जो पानी रुकता है और हरकी पौड़ियों का जो पानी रुकता है, तो ये हो जो हरकी पौड़ियों की तरफ पानी जाता है सब, और ये बड़ी गंगा का पानी है भाई, ये भी रोक रखा वहाँ पर भी। तो भाई कुछ नहीं है, अभी सब सब पानी आ चुका है और हम मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ। अच्छा अच्छे एक नंबर के अच्छे नज़ारे हैं भाई साहब, बहुत कम खर्चा लगता है, आराम से आओ और घूमो फिरो, अच्छा रहेगा कि अपनी फैमिली के साथ लेके आओ, घूमो फिरो और मौज लो और घर वालों को भी घुमाओ जिंदगी में। आपको दिखाता रहूँगा पूरा हरिद्वार में क्या है क्या नहीं।